हिंदू धर्म में दैनिक पूजा का विशेष महत्व है। पूजा से तन मन पवित्र होता है। दैनिक रूप से की जाने वाली ईश्वर की पूजा के लिए कुछ नियमों का वर्णन मिलता है, जिनका पालन प्रत्येक साधक को करना ही चाहिए, तभी हमें पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है और हमारे इष्ट हम पर प्रसन्न होकर हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। चलिए जानते हैं कि भगवान की पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। भगवान की दैनिक पूजा स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रसन्न मन से ही करनी चाहिए। जो हम दैनिक पूजा करते हैं उसका समय निश्चित होना चाहिए और हर रोज़ एक ही जगह पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। हमें शुद्ध और पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए आसन ऊन या कुशा का बना हो तो ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान की पूजा करते समय आपका चेहरा उत्तर पूर्व या फिर ईशान कोण की होना बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। पूजा करते समय कभी भी हमारी पीठ देवी देवता की तरफ नहीं होनी चाहिए। तांबे के बर्तन में चंदन कभी भी नहीं रखना चाहिए और ना ही कभी पतला चंदन देवी देवताओं को लगाना चाहिए। जो हम भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उसके नीचे चावल अवश्य रखें, तभी उसके ऊपर दिया रख के भगवान के समक्ष दिया जलाएं। एक बात और का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। हर दीपक के लिए अलग माचिस या मोमबत्ती का प्रयोग किया जाना चाहिए। हर रोज़ पंचदेव अर्थात सूर्य, श्री गणेश भगवान, दुर्गा माता, शिव जी तथा श्री विष्णु की पूजा अवश्य करें। पूजा करने के बाद भगवान की आरती अवश्य करें। सुबह शाम की आरती करनी ही चाहिए, यदि संभव हो तो 5 बार आरती कर सकते हैं। अगर आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है तो 1 बार तो आरती अवश्य ही करें। आरती हमेशा खड़े होकर करें। उसे सबसे पहले अपने आराधक के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। कुल 7 बार ऐसा करें। आरती के बाद उस पर जल से फेरे करें 3 बार और प्रसाद के रूप में सब पर जल छिड़कें। आरती को हमेशा दोनों हाथ से ग्रहण करना चाहिए। बिना आसन के पूजा पाठ कभी भी नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल की अवश्य डालें और फिर उस जल का अपने माथे पर 5 बार तिलक करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पूजा पर जो फल बनता है उसे देवराज इंद्र ले जाते हैं। तो ये थे दैनिक पूजा के विशेष नियम। इन नियमों को पालन करके ही आप अपने इष्ट देव या प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपकी हर मनोकामना वह अवश्य पूरी करेंगे। इन नियमों का पालन अगर आप करते हैं तो जय श्री राम।